जून का महीना और आग उगलता सूरज इन दिनों कहर बनकर बरस रहा है। बढ़ती गर्मी के चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। फरीदाबाद में अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री के आसपास तक पहुंच गया है। ऐसे में लोगों का हाल बेहाल है। आलम ये है कि गर्मी के कारण लोग बीमार पड़ने लगे हैं। इन दिनों फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं डॉक्टर का कहना है कि इन दिनों अस्पताल में एक दिन में 50 से 100 मरीज आ रहे हैं। इस मौसम में अब जो गर्मी मौसम शुरू हो चुका है, तापमान बढ़ता लगातार जा रहा है, उससे हमारे पास जो पेशेंट्स हैं यूजली एक्चुअली बच्चे और जो बुजुर्ग जो पेशेंट्स ठीक हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, जिनमें डिहाइड्रेशन की उल्टी की दस्त के पेशेंट्स और हमको ज़्यादा हैं। तो कितनी संख्या मान है? देखिए इसकी जो संख्या है हमारे पास ओपीडी में भी बढ़ी हुई है और साथ साथ में जो हमारे पास जो सेवाएँ हैं उसमें बढ़ी हुई है। जिस तरह से पहले की संख्या की बात करें तो आपकी संख्या लगातार कितनी बढ़ चुकी है? जैसे कि देखिए अगर आप ये समझें कि पहले हमारे पास एमरजेंसी के अंदर ये 30 वो एक टाइम के अंदर 30 से 40 पेशेंट आते थे, तो उससे लगभग 50-60 का तो बढ़ोतरी हो गई है। और ऐसे ओपीडी के अंदर जो हमारे पेशेंट मानी सपोज एक ओपीडी के अंदर 100 पेशेंट आते थे तो उसमें बढ़ोतरी 150 या 200 पेशेंट आने शुरू। तो किस तरह के मरीज आ रही? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस मौसम के अंदर एक तो डिहाइड्रेशन, उल्टी, ठीक है, वॉमिटिंग, डायरिया, इन सब पेशेंट्स हमारे पास। उधर गर्मी का सितम राजस्थान की सीमा से सटे रेवाड़ी में भी जारी है। पिछले कई दिनों से बढ़ते तापमान और चिलचिलाती धूप में न केवल इंसानों का बल्कि बेसहारा पशु पक्षियों का जीना मुहाल कर दिया है। यहां का तापमान 42 डिग्री से भी ऊपर जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन अभी दूर दूर तक बारिश की संभावना तक नजर नहीं आती। गर्मी से बेहाल लोगों की माने तो सुबह 10 बजते ही गर्म हवाएं और लू चलने के कारण उनके रोजमर्रा के काम नहीं हो पा रहे। इसमें बहुत मुश्किल होता है, अपन 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि इतनी ज़्यादा लू होती है कि बाहर जाया नहीं जाता। कहीं भी कॉलेज जाओ तो नहीं जाया जाता है, गर्मी हो रही है काफ़ी ज़्यादा, कहीं बुक्स लेने नहीं जा सकते, घर से बाहर निकला नहीं जा रहा। और फिर पानी भी नहीं होता, कहीं पर पानी होना चाहिए 1 किलोमीटर दूरी पर, तो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रशासन को ये चीज़ करनी चाहिए। उसके लिए बहुत मजा है कि सवारी नहीं मिलती है क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, गर्मी धूप के यार वो नहीं मिलती सवारी वगैरह जो। अब क्या है कि क्या ऑटो वो मिलते हैं किराए पे, किराए ऑटो सवारी नहीं मिलती, सवारी कारण भी हमारे ऑटो किराया देना मुश्किल हो जाएगी, क्या करें। वहीं चंडीगढ़ में भी 2 दिनों से शहर के तापमान में एक बार फिर इजाफा देखा जा रहा है। विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान और ऊपर जाएगा। मंगलवार को अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, तो सामान्य से 44.5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। वहीं मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अभी प्रेजेंट ट्रेंड जो इंडिकेट कर रहे हैं, अगले 5 से 7 दिनों तक आपको गर्मी से निजात मिलने की पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में बिल्कुल भी संभावना नहीं है। हमने ऑलरेडी आज और कल के लिए ऑरेंज वार्निंग दी हुई है इन सारे क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में, और उसके अगले 3 दिनों के लिए भी हमने आपको येलो वार्निंग इशू की हुई है गर्मी को लेकर के, हीट वेव को लेकर के। हाँ, थोड़ा सा हम परसों पंजाब के कुछ पार्ट्स में बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो बारिश इसी प्रकार से होगी जैसे कि आप प्यासे को चम्मच से पानी पिला रहे हैं, तो उससे गर्मी से आपको निजात मिलने की बिल्कुल भी आपको संभावना नहीं है। तो जनमानस को तैयार रहना पड़ेगा इस जानलेवा गर्मी के लिए। बता दें कि बढ़ती गर्मी से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है, लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, तो वहीं अब बढ़ती गर्मी से राहत के लिए लोगों की निगाहें मानसून पर टिकी है। मानसून होने के बाद शायद लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत मिले। फरीदाबाद से दीपक गौतम, रेवाड़ी से नवीन शर्मा और चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट, सूर्य समाचार।